नमस्कार बच्चों, आज हम सुनेंगे एक नई कहानी। एक गांव में एक रमेश नाम का व्यक्ति रहा करता था। रमेश स्वभाव में सरल था, मगर वह बहुत समय से नौकरी ढूंढ रहा था। रमेश बहुत लंबे समय से बेरोजगार था, उसके पास कोई काम नहीं था। रमेश रोज सुबह काम ढूंढने निकलता और शाम को निराशा ही उसके हाथ लगती। वह रोज रोज यह सब करके थक चुका था। एक दिन वह परेशान होकर घर पर बैठ गया। तभी उसकी माँ ने उसे समझाया कि रमेश, यदि मन में दृढ़ निश्चय हो तो हम कुछ भी कर सकते हैं। रमेश, तुम्हें कुछ नया या फिर अपना काम शुरू करना चाहिए। रमेश ने माँ की बात को सुना। तभी उसे उसकी माँ ने बताया कि तुम कुछ नया बिजनेस शुरू कर सकते हो। जैसे तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाने आता है, तुम होटल क्यों नहीं शुरू करते। माँ की बात सुनकर रमेश ने धीरे धीरे अपना व्यापार शुरू किया। उसने गांव में एक दुकान खरीदी और उसने समोसे की और जलेबियों की बिक्री शुरू करी। शुरुआत में उसकी दुकान पर ग्राहक नहीं आया करते थे, मगर धीरे धीरे उसकी दुकान पर ग्राहकों की संख्या बढ़ने लगी। रमेश अच्छे स्वभाव का था, वहीं उसकी दुकान का सामान साफ सुथरा और सस्ता भी था, इसलिए लोग उसके खाने को पसंद करने लगे थे। देखते ही देखते रमेश की गरीबी हट गई। रमेश ने अपने पुराने लिए सारे कर्जे चुका दिए। अब रमेश एक बड़े होटल का मालिक बन चुका था। रमेश घर भी कम ही जाया करता, वह अपनी माँ से भी बहुत कम ही मिल पाता। वह पैसों की तरफ ज्यादा खिंचा चला गया। धीरे धीरे समय बीतता गया, रमेश के स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगा। अब उसके स्वभाव में पहले जैसी नरमी नहीं थी। उसने अपने गांव का हाल पता लेना भी छोड़ दिया। एक दिन गांव से उसे एक पत्र प्राप्त हुआ कि उसकी माँ चल बसी। रमेश को यह सुनकर दुख हुआ, वह गांव वापस लौट गया तो उसने देखा कि उसकी माँ जीवित है। यह देखकर रमेश अत्यंत प्रसन्न हुआ। हमें कभी भी लोगों से ज्यादा पैसों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। लोग हमारे साथ हमेशा रहते हैं। रमेश की माँ ने उससे अपनी मौत का झूठ बोला था। रमेश की माँ ने उसे समझाया कि उन्होंने यह सब केवल रमेश को यह बात समझाने के लिए किया कि वह पैसों को लोगों के मुकाबले कम अहमियत दे। साथ ही उसकी माँ ने उसे उसके बदलते व्यवहार के लिए भी समझाया। तो समझे बच्चों, हमें पैसों से ज्यादा लोगों को महत्व देना चाहिए। कहानी में रमेश की माँ उसकी गरीबी और अमीरी दोनों वक्त में थी। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो सबसे पहले देख पाएं। आप हमें Facebook और Twitter पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।